नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा मधुमक्खी के विषय में। जैसे दोस्तों मधुमक्खी जैसे सभी लोग पालते हैं, मधुमक्खी जैसे भी है दोस्तों, इंसान हो या जानवर पानी के बिना कोई नहीं रह सकता है। तो दोस्तों मधुमक्खी को पानी कैसे पिलाया जाता है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि खेती बाड़ी संबंधित या मधुमक्खी संबंधित आपको संबंधित मैं जो भी वीडियो लूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ मधुमक्खी कैसे पानी पिलाना चाहिए। जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं पानी के हिसाब से डिब्बे में रखे हैं, ये मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी भर दिए हैं। चलिए इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से जैसे टोटी लगी हुई है एक लकड़ी लगा देते कि ये बूंद बूंद की पानी चुएगा। जैसे ये चुरा भी एक एक बूंद चुएगा, उसके बाद मधुमक्खी अपना आराम से पिएगी, ठीक है। ज़्यादा पानी भी नहीं लगा होगा और मधुमक्खी आराम से पिएगी, क्योंकि दोस्तों मधुमक्खी ऐसी चीज़ है दोस्तों कि ये ज़्यादा पानी यानी बहता पानी पसंद करती है। जैसे कि हमने देखा होगा नल पे या कहीं तालाब में जैसे जहाँ भी टोटी लगी रहती है तो वहाँ पर ज़्यादा पसंद करती है मधुमक्खी पानी पीने के लिए। तो वहाँ पर जैसे मतलब ये ज़्यादा पसंद करती है दोस्तों, मैं इधर रखा हूँ पानी है, इधर नहीं पसंद करती ज़्यादा क्योंकि ये भरा हुआ है। इधर भी पिएगा मुश्किल नहीं, लेकिन जी उसकी मर्ज़ी, कोई इधर पिएगा कोई इधर पिएगा तो एक, लेकिन वहाँ पे दोस्तों बैठने का आसान तरीका है। यहाँ पे जैसे डर है कि बैठेगी तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन यहाँ पे है दोस्तों बैठती है पी के निकल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मधुमक्खी किस तरह से पानी पिलाया जाता है, एक तरीका वो है जैसे कि आपको दिखाया था, ये यानी कोई डब्बा हो उसमें यानी सफ़ेद से जो होता है यानी प्लास्टिक हल्की से हो, यानी जो बाजा वगैरह आता है फाइबर उसको डाल दिया जाता है ताकि ऊपर है तो उस पर बैठ के पानी पीती है, लेकिन इस पर पीती है पानी। जैसे हमने अभी देखा था तो अभी तो थोड़ा शाम हो गया इसलिए मधुमक्खी भाग रही है, ठीक है, आवाज़ मेरी आ रही है उसके पास इसलिए नहीं बैठेगा। दोस्तों इस तरह से मधुमक्खी को पानी पिलाया जाता है, आप देख रहे हैं ये आ रही है पीने के लिए ये, ठीक है। नीचे भी बैठ जाती है ये, देखें हिसाब से बैठते चूसते है पानी ये, ठीक है। तो दोस्तों मधुमक्खी को पानी इस तरह से पिलाएं, और दोस्तों क्योंकि पानी अगर इस तरह पिलाएंगे तो बहुत मस्त रहती है मधुमक्खी, देख रहे हैं नीचे के हिसाब से है ये, ये बैठी हुई है इसके यानी पानी इसे निकाल लेती हैं, चूस लेती हैं लोग पानी, इसे पेड़ से रस हाथ निकालते हैं हिसाब से ये निकालते हैं पानी, ये बैठी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप पिलाएं पानी मुश्किल नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जहाँ यानी पानी जहाँ भी पाती इंसान हो जाए पानी जहाँ भी पाएगा वहाँ पिएगा। तो अगर मधुमक्खी दोस्तों पाले हैं तो अगर आप साफ़ सुथरा यानी साथ चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से पानी पिलाएं, पानी ज़रूर रखें। दोस्तों ये जहाँ पाएगी वहाँ पी लेती हैं, क्योंकि हमने देखा होगा नल पे या खुले तालाब में या जिसे भी है नहीं खुले जगह ज़्यादा पानी पसंद करती हैं। तो दोस्तों अगर आप मधुमक्खी पालें तो पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, नहीं दोस्तों आपका यानी सेहत साफ़ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यह था मधुमक्खी को पानी पिलाने का तरीका, ठीक है दोस्तों। ये देख रहे हैं आपके हिसाब से आती है पीती है पानी, ये चूस के जाती है ये, और आप इसमें लकड़ी लगा दें आराम आराम से टूटी से पानी चूसता रहेगा, ये पीते रहेगी, ठीक है। और दूसरा तरीका इधर ये है, इसे अगर आपके पास प्लास्टिक है तो ठीक है, नहीं प्लास्टिक जो फाइबर, अगर फाइबर नहीं है तो लकड़ी इसमें डाल दीजिए, इस पर बैठेगी पानी पी के चली जाएगी, मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि सबसे मधुमक्खी पानी पी रही है ये, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही है, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।